तो अंकल ये ताज़ा होता है ना, मतलब बारिश का मौसम है ना, फिर वो फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है तो ताज़ा होता है ना। ठीक है, अचार देते हैं साथ? क्या क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से हम ले रहे हैं ना जी। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है दे दें, बस थोड़ा थोड़ा सा सारा डाल दें क्योंकि एक ही पूरी बस चाहिए, तो बाकी तो सब नाश्ता कर चुके होंगे और अंकल ने काफ़ी जल्दी जो है वो पूरी बना दी है। ये व्लॉगिंग करती हूँ मैं ना, व्लॉगिंग यूट्यूब पे अगर आपने देखा हो तो, उनको पता है भाई को ये व्लॉग यूट्यूब पे आएगा। इनका तेल जो है वो काफ़ी गर्म है, जल्दी जल्दी अंकल निकाल देते हैं। अंकल माशाल्लाह कितनी पूड़ियाँ बिक जाती हैं एक दिन में, माशाल्लाह। यूट्यूब चैनल है मुस्लिमा व्लॉग्स। और अंकल पूछ रहे थे कि, भाई पूछ रहे थे कि आपका चैनल जो है वो किस नाम से, मौसम बहुत अच्छा अच्छा ये बर्ड सीड्स आ रही थी। और ये जो है ना, ये सारा सामान हलवा पूड़ी जो है ना वो डेली नहीं खाई जाती, मेरे से तो नहीं खाई जाती क्योंकि ना वो मतलब ऑयली बहुत ज़्यादा होती है, फिर खा के इस तरह से दिल वगैरह ख़राब होता है। लेकिन कभी कभी जो है ना, कभी कभी जो इंसान जो है वो खा सकता है। अच्छा ये स्कूल भी ना काफ़ी अच्छा है, यहाँ की मतलब पढ़ाई काफ़ी अच्छी है और ये लोग मतलब इस्लामिक तालीम भी देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, और ना इनकी एक ब्रांच में मैंने जॉब भी की हुई है। और ये है कि इनकी ना बहुत मतलब, जैसे बच्चे प्ले ग्रुप और नर्सरी वगैरह में जाते हैं, ये लोग दुआएं वगैरह याद करवाना शुरू कर देते हैं और इस तरह से ये लोग जो है ना काफ़ी मतलब इस्लामिक है, साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी है, तो बच्चों को दोनों जो है वो तालीम मिल जाती है। बच्चों को मतलब इस्लामिक तालीम भी मिल जाती है और दुनियावी तालीम भी मिल जाती है, इंग्लिश भी सीख सकते हैं वो, उर्दू और कुरान पाक वगैरह भी सिखाते हैं। बाकायदा इनके पास ना कारी साहब वगैरह का भी अरेंज होता है। ठीक है, तो आज बर्ड स्वीट्स वालों की जो है ना वो ट्राई करते हैं हलवा पूड़ी। किस तरह किलो हैं? 250 रुपये किलो। और क्या लगा के दे रहे हैं, कितना कर लेते हैं? अच्छा सही सही। अच्छा तो ये कह रहे थे कि 230 है आम ना, लगा देते हैं 200-250 कहते हैं 250। अब समझ आई ना, व्लॉगिंग करना इतना भी इजी नहीं है, इतना भी इजी नहीं है। कोई भी काम जो है ना, मेहनत हर काम में होती है। जब हम लोग व्लॉग्स देखते होते थे ना लोगों के, अच्छा ये सूरजमुखी है, हम लोग जब व्लॉग्स देखते होते थे लोगों के तो हम लोग ये नहीं पता होता था बेचारे किस तरह से मेहनत करते हैं व्लॉग्स बनाने के लिए। अब देखो ना कि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से व्लॉगिंग करनी है और क्या कहते हैं वो भी करना है, साथ साथ बोल के पब्लिक को बताना भी है कि ये क्या है और वो क्या है। अच्छा हमारे ना घर की साइड का ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी फ्रेश एंड खूबसूरत है। अब आसमान को ही देख लो। अच्छा व्लॉगिंग के लिए ना एक कैमरा मिलता है और ना वो ना जैसे अब मैं हाँ वीडियो बना रही हूँ तो शेक कर रहा है ना मेरा हाथ, तो अगर मैं वैसे करूँगी ना तो वो शेक नहीं करेगा, है ना, फिर मेरा हाथ शेक नहीं करेगा।
तो ये वाला व्लॉग जो है वो अब बस हम एंड करते हैं, मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बर्ड स्वीट्स वालों की कभी हलवा पूड़ी ट्राई की है, अगर कैसी ट्राई की है तो कैसी लगती है। और प्राइस इसकी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी, क्योंकि एक पूड़ी जो है वो 60 रुपीज़ में दे रहे हैं और बाज़ार से आई थिंक पता नहीं कितने की मिलती है, शायद मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ इनसे सस्ती मिलती होगी। लेकिन ऑब्वियसली वो बर्ड स्वीट्स जो है वो एक ब्रांड है, तो फिर उस हिसाब से जो है ना ब्रांड की तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है ना। तो यहाँ पे भी फ्लावर्स लगे हुए हैं, आई थिंक ये बाहर का मौसम है, तो सावन का मौसम है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो है फ्लावर्स वगैरह कैसे। अच्छा जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया।